बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहन नाहिद असलम देसी फूड्स एंड व्लॉग के साथ हाजिर है। कैसे हैं आप सब बहन भाई? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पालक गोश्त और थोड़ा सा उसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो नए बहन भाई हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, नई वीडियो जो होगी वो बरवक्त आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल के रखा हुआ है, गर्म हो गया है। एक मैंने बड़े साइज का प्याज लिया था, उसको मैंने ऐड कर दिया है और इसको मैं ब्राउन, लाइट ब्राउन करूंगी। डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। और जो है आग है उसको मीडियम टू लो रखना है, ताकि प्याज जले नहीं, अच्छे तरीके से फ्राई हो। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बहुत बारीक नहीं किया, थोड़ा सा मोटा मोटा है। क्योंकि खुश्क सब्जी में तो थोड़ा सा मोटा भी डाल लें, उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इसको भी इतना ब्राउन करूंगी जब तक इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। एक बड़े साइज का मैंने टमाटर लिए और इसको बारीक काट लिया और साथ ही मैं इसे ऐड कर दूंगी स्पाइसेस। हल्दी जो है वो 1/4 टेबलस्पून, ये टेबलस्पून जो है वो मैंने लिया सिर्फ ही, और 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम ही है जो मैंने नमक लिया है, और 1/2 टेबलस्पून मैंने लिया खुश्क धनिया पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ बहन भाई तेज स्पाइसेस पसंद करते हैं और कुछ बिल्कुल लाइट, ये आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब इतनी देर तक फ्राई करूंगी जब तक ये जो टमाटर हैं वो टेंडर नहीं हो जाते। टमाटर तकरीबन टेंडर हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी चिकन। तकरीबन 1 पाव चिकन है। बेसिकली मैंने पालक और आलू बनाने थे और फिर मेरे दिन में आया तो थोड़ा सा चिकन पड़ा, मैं वो भी ऐड कर दूँ, थोड़ा सा टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। अब इसको मैं फ्राई करूंगी 5 से 7 मिनट। चिकन भी फ्राई हो गया है, अच्छे तरीके से टेंडर नहीं हुआ, अभी थोड़ी सी इसमें कमी बेशी है। अब इसमें मैं आलू ऐड करूंगी। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। अब इसको 5 मिनट तक फ्राई करूंगी।
अब आलू और चिकन दोनों ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ऐड करूंगी पालक। पालक को मैंने बॉयल कर लिया था काट के, और साथ में 5-6 मिनट सब्ज ऐड कर दी हूँ। इसको मिक्स करके अब मैं दम पे रख दूंगी। 5-7 मिनट दम पे रहेगा सारा, फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। सालन बनके हो गया है तैयार, और इसमें मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें मैंने तकरीबन 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला खुशबू के लिए। सालन में से माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बना है। पालक तो वैसे भी बहुत मज़े की बनती है, तो इसको मैं थोड़ा सा टाइम और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूं। बहुत आसान तरीका है और बहुत टेस्टी सालन बनता है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह आलू पालक और चिकन बनके तैयार हो गया है। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक है और बहुत टेस्टी बना है। उम्मीद है कि आप सब बहन भाइयों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।